तो दोस्तों, अगर आपको भी अलग अलग चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद करने में समस्या होती है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपका वही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबसे बेसिक फॉर्मूला है MR स्क्वायर या ML स्क्वायर, जहां पर R हम तब यूज करते हैं जब हम स्फेरिकल चीजों से डील करते हैं, जहां पर R उन स्फेरिकल चीजों का रेडियस होता है, और L हम तब यूज करते हैं जब हम लीनियर चीजों से डील करते हैं, जहां पर L उनकी लेंथ होती है। तो दोस्तों, MR स्क्वायर और ML स्क्वायर ही वो बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिन्हें एडिट करके हम सारे ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। देखिए, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है सबसे बेसिक वाला, यानी कि MR स्क्वायर। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको इसे याद करने में तकलीफ होती है तो आप एक रिंग पहन सकते हैं जिस पर आप लिख सकते हैं MR स्क्वायर, जिससे एक या दो दिन में आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। रिंग के साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेल की। देखिए, जब हम एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेल को ऊपर से देखते हैं तो हमें एक रिंग दिखती है। तो याद रखिए कि उसका फॉर्मूला भी वही होगा जो है एक रिंग का, क्योंकि MR स्क्वायर। आइए बात करते हैं एक डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले। देखिए, डिस्क वर्ड में दो प्रोमिनेंट अल्फाबेट्स हैं D और S, जिसका हम एक एक्रोनिम बना सकते हैं डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट। यानी कि सबसे बेसिक फॉर्मूला जो कि है MR स्क्वायर, उसे हमें डिवाइड करना है सबसे छोटे नंबर से। अब वो छोटा नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नेगेटिव नहीं होता, जीरो नहीं होता क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, और वन से तो हम ऑलरेडी डिवाइड कर ही रहे हैं। तो 2 है वो नंबर जिसे हमें करना है MR स्क्वायर को डिवाइड, और MR स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क का। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ मैं बात करना चाहूंगा एक सॉलिड सिलेंड्रिकल शेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। देखिए, जब हम एक सॉलिड सिलेंड्रिकल शेल को ऊपर से देखते हैं तो हमें एक डिस्क ही दिखती है, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी वही होगा जो है एक डिस्क का, यानी कि MR स्क्वायर बाय 2। तो दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगा एक शेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले। देखिए, शेल में अगर हम S को घुमाएं तो बनता है 2, और E को घुमाएं तो बनता है 3, और अगर 2/3 को मल्टीप्लाई करें MR स्क्वायर से तो वो फॉर्मूला हो जाएगा एक हॉलो शेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आइए बात करते हैं स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले। अगर S को घुमाएं तो मिलता है 2 और P फॉर 5, और अगर 2/5 को मल्टीप्लाई करें MR स्क्वायर से तो वो फॉर्मूला हो जाता है एक स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आइए बात करते हैं एक रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। देखिए, रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो केसेस होते हैं, पहला जब हम उसे सेंटर से घुमाएं, दूसरा जब हम उसे कॉर्नर से घुमाएं। पहले केस में, क्योंकि हम रॉड को बीच से घुमा रहे हैं, तो हम रॉड के पहले अल्फाबेट R को बीच में से काटते हैं जिससे हमें मिलता है 12, और ML स्क्वायर को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है ML स्क्वायर बाय 12, जो कि है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड कब, जब हम उसे सेंटर से घुमाएं। आइए बात करते हैं दूसरे केस की, यानी कि जब हम रॉड को घुमाएंगे कॉर्नर से। कॉर्नर से घुमाते टाइम भी हम रॉड के पहले अल्फाबेट R को बीच से काटेंगे, लेकिन क्योंकि हम रॉड को बीच में से नहीं घुमा रहे, इसलिए R को, यानी कि 12, यानी कि उसके दो नंबर्स 1 और 2 को अलग नहीं रख सकते, और उन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा ML स्क्वायर बाय 3। और यही है रॉड्स, या फिर रॉड के दो केसेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों, अपने टीचर्स के साथ, ताकि और मददगार जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही और लर्निंग टेक्निक्स आपके लिए लाता रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।